ओम भूर्भुव स्वतः पितृव रेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्पम्। आ गई मेरी बेटी की मासी, आ गई मेरी बेटे की मासी जी आ गई हैं, देख लीजिए। स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग, होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है नहान, मतलब मौनी नहान होता है, जैसे कि सुबह उठ के बिना बोले नहाना होता है, जो भी काम होता है करके। और जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि वो चावल सब्जी दान वगैरह हल्दी वल्दी सब कुछ उसको छू के दान करना होता है, तो वही आज करने के बाद ही बोल सकते हैं। तो मैंने सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, मैंने नहा भी चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने जो वो रखा था मेरे लिए दक्षिणा, वो सब मैंने दान कर दिया छू छा के। तो आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है। और ठंड देखिए कितना ज़्यादा है, ये देखिए अभी 10 बज रहे हैं और कोहरा देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा कुछ भी नहीं बाहर दिख रहा है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ, देन उसके बाद से मैं पार्लर जाऊँगी और बेबी गर्ल को भी दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए मेरी बेबी अभी सो रही हैं, रात का सोई हैं, अभी उठी नहीं हैं, तो इनको सोने देते हैं। और सो गाइस, पार्लर जाने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ बाबू के साथ। तो ये सो रही हैं, इसी में मैं थोड़ा सा इनको किस विस करके फिर मैं पार्लर के लिए निकलूँगी। और ये सूप भी बन गया है मेरा, बस इसको फिनिश करूँगी देन उसके बाद पार्लर जाऊँगी, फिर पार्लर पहुँच के आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और यही रूटीन होता है सुबह में, तो इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है कि समझ में नहीं आता। ये देखिए उठ गई। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सबको। अरे मेरा बेटा, गुड मॉर्निंग मासी की जान। तो अब उठने वाली हैं, अब इनको भी नहलाया जाएगा क्योंकि आज है नहान, आज सब लोग नहाएंगे। और देखिए मंदिर मेरा। तो चलिए अभी वीडियो में कंटिन्यू रहिए, अभी ये उठने वाली हैं, इनको मैं थोड़ा सा रोने लगेंगी अभी उठेंगी तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय, पार्लर पहुँच के मिलती हूँ या फिर देखते हैं क्या। हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ पार्लर और अभी जस्ट आई हूँ। और ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ना, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। सो गाइज, अभी पार्लर से सॉरी घर से पार्लर आई हूँ, तो अभी साफ़ सफाई करूँगी देन उसके बाद से क्लाइंट आएंगे तो काम करूँगी। तो यही रूटीन होता है। और काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पा रही थी, जो पुराने ब्लॉग्स थे वही जा रहे थे, तो आगे पीछे हो गए थे मकर संक्रांति का, इतना लेट आया। तो क्या है ना कि मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो जब तक एडिटिंग नहीं होगा तो पब्लिश नहीं होगा। तो मेन इशू यही है कि टाइम नहीं मिलता है बच्चे के साथ, आप समझ सकते हैं गाइस कितना।
कितना ज़्यादा दिक्कत होता है उनको संभालना, देन उसके बाद से पार्लर संभालना, घर संभालना, बहुत दिक्कत सारी होती है। और ठंड तो इतना ज़्यादा है ना कि जिसका हद नहीं है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्वेटर पहनी हूँ फिर भी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि क्या ही बताया जाए। इस बारी बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये देखिए बैकग्राउंड में मेरी फ़ोटोज़, जब मैं दिल्ली रहती थी जब का फ़ोटो है मेरा। तो यही सब है, अपने सेहत का ध्यान भी नहीं इंसान ले पा रहा है, क्योंकि मेन है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग सोचोगे कि टाइम निकालना पड़ता है, बट नहीं होता है गाइस। जिसके साथ होता है ना वही समझता है कि कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो जब तक बेबी डॉल 3 या 4 महीने की नहीं होती, ऐसे ही काम पड़ेगा। और हो सकता है तो देखते हैं आज का क्या कैसा सीन रहेगा, नहीं तो फिर मैं आपसे शाम को मिलूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन्स। तो सुबह से जो ब्लॉग चल रहा था तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी पार्लर में, देन उसके बाद अभी मैं घर पे आई हूँ। और अभी टाइम क्या हो रहा है बता दूँ आपको, 7:30 हो रहा है और घर पे आई हूँ। और मेरी शोना बेबी से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि दिन भर इनको नहीं देखती हूँ तो एकदम परेशान रहती हूँ। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, अभी देख उठी हुई हैं। मिला बेटा, मेरा छोटा सा बेटा, देख लो छपको, देख लो बेटा, मासी आ गई, मेरे बेटे की मासी आ गई, मेरे बेटे की मासी जी आ गई हैं, देख लीजिए। सुबह तो आप छो रही थी, इस टाइम तो आप बात कर लीजिए, छोना सबको बोल दीजिए हेलो, हेलो बोल दीजिए मेरा बेटा जी। सबको कर रही है मेरी बेटी। सो एवरीवन, मेरी तो ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। मतलब जब से ये हमारे घर में आई हैं इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपसे, बहुत अच्छा लगता है। कब सुबह हो जाता है और कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी शाम को मैं आई हूँ और आते ही सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ, सैनिटाइज करती हूँ अपने आप को, देन उसके बाद से अपनी बेबी डॉल के पास आ जाती हूँ और फिर इस टाइम से मैं इन्हीं के पास रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, अभी मैं चाय वाय पीऊँगी, देन उसके बाद थोड़ा सा बेबी के साथ खेलूँगी, फिर मिलते हैं कल एक प्यारा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। और कल है नहान आप लोग, मतलब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग नहान था, तो आप लोग बताइए आप लोग कहाँ पे कौन कहाँ गया था नहाने की लिए। तो चलिए हैप्पी स्नान डे, और मिलते हैं कल एक प्यारा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए बेटा बाय बोल दीजिए, बाय बोल दीजिए, बाय बोल दीजिए, बोलिए बाय।